अपने YouTube चैनल डिजिटल लर्न पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मतलब नॉलेजेबल है, जिसको जानना हर एक भाई को बहुत ज़रूरी है। जो भी नॉर्मल काम कर रहे हैं, जो भी मतलब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो वैसे भी हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि किलोवाट अगर कोई किसी भी मोटर की, किसी भी मशीन की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी चीज़ की किलोवाट में अगर रेटिंग दी गई, अगर जैसे मोटर दी गई है, मोटर को कैसे एचपी में बदलते हैं, और अगर किसी मोटर की रेटिंग एचपी में दी गई, उसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन द सेंस आपको इलेक्ट्रिकल के करंट निकालना हो गया तो आप किलोवाट में चेंज करके ही निकालेंगे ना। तो बेसिकली आज उसी पर हम चर्चा करते हैं कि किलोवाट से एचपी, एचपी से किलोवाट में क्या कैसे मतलब हम लोग निकालें, मतलब कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें एचपी से किलोवाट, किलोवाट से एचपी। ठीक है, आप इसको समझते भी हैं, निकालते हैं कैसे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमने जो एक मतलब डाटा तैयार किया है, उसमें है किलोवाट टू एचपी, एचपी टू किलोवाट। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दो फॉर्मेट में है, दो ब्लॉक में। ब्लॉक ये ए है, किलोवाट टू एचपी। ब्लॉक बी में है, एचपी टू किलोवाट। ठीक है, पहले शुरू करते हैं ये किलोवाट टू एचपी। ठीक है दोस्तों, उसमें मैंने एग्जांपल ले लिया है मोटर की। एक पावर, एक 2 किलोवाट की मोटर है, जो कि 2 किलो, एक 2 किलोवाट की मोटर है, उसको हम एचपी में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो ये है मिल गया आपको। अब 2 किलोवाट को किलोवाट को वाट में पहले चेंज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, किलोवाट को वाट में चेंज कर दो। 2 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 2 किलोवाट में 2000 वाट हो गया, जैसा कि यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, या आप जानते हैं नॉर्मली जानते हैं आप, 1 एचपी में 746 वाट होता है। ठीक है, अब कन्वर्जन पे आ जाते हैं, तो 2000 वाट में कितना एचपी हो जाएगा। इसी 2000 में 746 का डिवाइडेशन कर दीजिए, भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा, 2.6 एचपी। कितना ईजी है दोस्तों, देख रहे हो कितना ईजी है। मतलब पहले 2 किलोवाट दिया है, उसको वाट में चेंज कर लो। वाट में चेंज करने के बाद 746 का डिवाइडेशन कर दो, तो 2 किलोवाट में कितने एचपी आ गया दोस्तों, 2.46 एचपी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एचपी टू किलोवाट कन्वर्जन में। एचपी टू किलोवाट मोटर कितने, हमने मोटर की हमने मान ली रेटिंग ले ली 2 एचपी की मोटर है, हमें किसी ने दे दिया है, हमारे पास दो एचपी की मोटर है, इसको किलोवाट रेटिंग में बदल के दिखाओ हमें, या वाट में बदल के दिखाओ, या फिर उसमें कितना करंट होता है उस वाट में चेंज करके दिखाओ, करंट वाट के अकॉर्डिंग करंट में चेंज करके दिखाओ। तो उसमें हम चेंज करते हैं एचपी टू किलोवाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 एचपी, 2 एचपी है, 1 एचपी में 746 वाट ने यहां देख लिया था, तो 2 एचपी है, तो 2 × 746, मतलब 2 × 746 मतलब कितना गया, 1492 वाट। 2 एचपी में कितना वाट होता है दोस्तों, 1492 वाट। और 1 वाट में कितना, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। ठीक है, देखो इसीलिए ना 2 किलोवाट में 2000 वाट यहाँ लिया था, 1 किलोवाट में 1000 वाट हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब इसमें आता है असली मजा। असली मजा ये है, अगर ये 1492 वाट है, ठीक है, इसको हम किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए वाट को किलोवाट में, तो 1000 का डिवाइडेशन करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, तो क्या हो जाएगी, 1.49 किलोवाट। मतलब 2 एचपी में कितने किलोवाट हो गया दोस्तों, 1.49 किलोवाट। ठीक है, कन्वर्जन आपको क्लियर हो गया कि नहीं। सीधी सी बात है, अगर किलोवाट में दिया रहे, पहले वाट में चेंज कर दो। वाट में चेंज किया हमने, वाट में चेंज करके, वाट में चेंज किया, एक बार 1 एचपी में 746 वाट होता है, 746 का डिवाइड कर दिया तो एचपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं एचपी से किलोवाट क्या होता है। 1 एचपी में 746 वाट होता है, 2 एचपी में कितना हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई कर दे, 5 एचपी पूछा रहे, 5 का मल्टीप्लाई कर देना, जितना वाट आ जाए उसी का 1000 का डिवाइडेशन कर देना, वो आपका किलोवाट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब किसी भी रेटिंग का आपको क्यों ना दे दिया जाए दोस्त, किसी भी रेटिंग का, 10 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 एचपी, 5 एचपी, आप किलोवाट टू एचपी, एचपी टू किलोवाट कन्वर्जन आई थिंक इजिली आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉर्मली किसी को इतना जल्दी क्लियर नहीं होता ये। ठीक है, थैंक यू सो मच।